वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो अभी सुबह के अभी 9:15 है और अभी चल रहा है यहाँ पर ब्रेकफास्ट सुबह का। तो अभी जल्दी जल्दी सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये दीदी है वो जल्दी उठती नहीं है। क्या है अभी 9 बजे 9:30 बजे को अभी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, 7 बजे कर लेना चाहिए। तो मेरा भाई का है और मैं 10 बजे उठू 11 बजे उठू, यहाँ से उठकर खाना होता है, बेचना होता है। भाभी ने तो भाखरी अभी गरम गरम बना दी है, भाभी सब तैयार कर दिया है, गरम गरम भाखरी चाय गाठिया। सो अभी हमारी बस आ चुकी है, बस का कब से वेट कर रही, इसको क्या हुआ है, क्यों भौंक रहा है, उसको भी उपलेट आना है शायद। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली थी अच्छी खासी, लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, हमने छाता नहीं लिया, भीग जाएंगे। बारिश रुक जाए तो अच्छा है, वेदर इतना क्लाउडी क्लाउडी है, लगता नहीं बारिश रुकेगी। जा रहे हैं आज उपलेटा, मैं और दीदी हम दोनों ही जा रहे हैं क्योंकि आज है पापा का बर्थडे, तो उसके लिए अभी केक लेने जा रहे हैं। देखते वहाँ पर कुछ खुला है बंद है कुछ पता नहीं है, बस अभी निकल रहे हैं। जैसे 7-8 यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी त्योहारों का ज़्यादा महत्व होता है, इससे शायद बंद ही होगा, खुला होगा, फल बंद होगा, और खुले खुला हो। चलो अभी बस चल पड़ी है हमारी, बी पॉजिटिव खुला हो या पॉजिटिव, और इतनी जोरों से बारिश स्टार्ट हो गई है, पूछो मत, बहुत ईजी आ गई है। वहाँ पर बारिश ना हो और जल्दी से बस भी वापस मिल जाए, क्योंकि सब वेट करें, किसी को घर पे बताया नहीं, सिर्फ मम्मी को ये सबको पता है, बाकी सबको पता भी नहीं है कि हम जा रहे हैं, वरना कोई जाने नहीं देता आज क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है। पापा को भी नहीं पता है, पापा को हमने विश भी नहीं किया है, सीधा सरप्राइज दे रहे हैं। तो इतने साल में उसे कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया है, 65 समथिंग होंगे, नंबर अभी नहीं लगा, 65 समथिंग ये पता नहीं है, लेकिन इतने सालों में कभी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया। तो हमें और दीदी हम सोच रहे थे कि चलो ऐसा कुछ करते हैं, सरप्राइज करते हैं, केक कटिंग करेंगे और डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ केक कटिंग सिंपल सा ही बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इतने सालों में कभी भी केक कटिंग नहीं किया उससे, तो सोचते हैं कि पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, पहली बार इसलिए सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी है, सिर्फ बारिश की दिक्कत है और कुछ नहीं है, क्योंकि अभी बस में आना जाना ये सब यहाँ पर रहता है। और ढाक से अभी 24 किलोमीटर अराउंड है, इससे बस में आने जाने में दिक्कत रहता है और स्कूटी में भी नहीं जा सकते इतनी बारिश में। तो अभी आपको मिलते हैं उपलेटा में। कुछ बंद नहीं है, पहले हमें लगा था कि यहाँ पर खुला होगा कि नहीं होगा, त्योहार है तो, लेकिन सब खुला है। चलो अभी खुली बेकरी खुली हो तो वापस जाने का अभी बस का टाइम है, 15-20 मिनट बाद एक बस आएगी, अगर नहीं आएगी तो 1 बजे मिलेगी,
और अभी 11 तो बज गए हैं, तो 15 मिनट में हम जल्दी से लेके वापस जाना होगा, कहीं शॉप पे भी और जगह पे कहीं पे भी नहीं जाएंगे, जल्दी से यहाँ से लेके निकलते हैं। तो ये है कुछ मार्केट का नज़ारा, सब खुला हुआ है, बहुत सारा ट्रैफिक भी है, डेकोरेशन सब किया हुआ है जन्माष्टमी का। और यहाँ पर एक बेकरी भी मिल गई है, देखते हैं अंदर, दीदी गए हैं देखने केक है कि नहीं है, छः के ना थी। सो गाइस अभी ये बेकरी में अभी दो केक है, यहाँ पर दो ही है और दोनों अभी अच्छी है, तो बस अभी आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से ही अभी ले रहे हैं, और बस अभी अब पहचानते भी है पापा को, सबको जान पहचान वाले ही है, तो बस अभी यहाँ से शॉपिंग करेंगे। बाकी अभी बेकरी की सारी आइटम यहाँ पर भी मिल रही है, पूरी की पूरी शॉप अभी भरी हुई है, यहाँ से लेके निकलते हैं। ड्राई भाकरी रखो छो, राजकोट मळे ने तमारे? हाँ राजकोट पेकिंग वाली मळे छे, हाँ ई आज ड्राई। हाँ पछी थेपला राखो छो? हाँ महीनो दिवस સુધી રહેવાને મારે સાથે ચટણી ફ્રી, પછી પાણી પૂરી માં ઘઉં ની પૂરી રવાની રેગ્યુલર, ત્રણ ત્રણ આઈટમ એમાં છે। પાપડી अभी हमारा बुकट हो चुका है, हमारी बस है अभी 5 मिनट पहले ही अभी चली गई है, और अभी हम ऑटो में बैठ गए, यहाँ से अभी आगे जा रहे हैं जिन मिल चौकी, और यहाँ से ट्रैवल्स वगैरह सब मिलेगी, और शायद एसटी बस भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे बाद बोला है, तो जो भी मिलेगी उसमें बैठ जाएंगे, और आधे रास्ते भाई को या पापा को बोलना पड़ेगा कि वो लेने आ जाए, तो बस अभी देखते हैं यहाँ से कब पहुँचते हैं। बाईपास रोड के पास अभी आ चुके हैं, यहाँ से शायद एसटी या ट्रैवल्स कुछ भी मिलेगा, यहाँ पर छोटा सा बस स्टैंड है, वहाँ पर खड़े हैं, अभी देखते हैं अभी कितने देर में मिलता है। You can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So guys, अभी डांग जाने के लिए यहाँ से अभी गायत्री आश्रम वाला जो रूट है वहाँ से अंदर जाना होता है, तो अभी यहाँ पर अभी खड़े हैं हम, तो अभी भाई को कॉल किया है, वो लेने के लिए आ रहा है, उस वाले रास्ते से हम आए प्लेटा से, आगे जाएगा ये जामजू, केक लगता है अभी पिघला ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी 1.5 घंटा हो चुका है, तो हमने चलना स्टार्ट कर दिया है, सामने मिलेंगे तो बाइक में बैठ जाएंगे, पीछे अभी देखो गेट से कितना अंदर आ चुके हैं, चलने में मज़ा आ रहा है। वैसे मैंने और दीदी ने 1 किलोमीटर तो कंप्लीट कर भी दिया है, और वैसे आज 7 है तो बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं दे रहा,
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. हम फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और अभी खाना वगैरह भी खा लिया और बस अभी रेस्टिंग टाइम है। यहाँ पर अभी सब बैठे हुए हैं और आज सातम है, फिर भी अभी रेडी भी नहीं हुए, कपड़े वगैरह भी चेंज भी नहीं किया, कुछ नहीं किया है। सो बस अभी थोड़ा बहुत अभी रेडी होंगे, बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी फिर भी अभी बारिश तभी चालू हो गई। सो आज पापा का बर्थडे है, पापा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। 65 इयर्स कंप्लीट किए हैं और ऐसे ही अभी 35 साल ऐसे ही अभी गुजर जाए। सेंचुरी कंप्लीट कर ही ले, सेंचुरी के बाद भी चलता ही रहे ये कारवां। कितना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो वैल्यू जिसका वो एंडिंग ही नहीं है, एंडिंग ही नहीं है। चलो ऐसे साल जीते रहे। पार्टी वगैरह सबको देना चाहिए, इतने हम सब आए हुए हैं तो आप पार्टी तो देंगे पर केक नहीं मिलती, केक नहीं मिलेगी। ओ इसका क्या करना पड़ेगा, केक तो यहाँ तो मिलेगी नहीं, केक का क्या करेंगे? आपको शायद सरप्राइज मिल जाए, आपको पार्टी देनी पड़ेगी, आपको कैसे भी करो लेकिन केक लेके आओ। इतने सारे लोग इकट्ठा हुए तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो बनता है। मम्मी आप कुछ कहना चाहते हैं पापा के बर्थडे के बारे में? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं बोलते। आज पापा खिलाएंगे कैंडी, आइसक्रीम कुछ भी खिलाएंगे, केक कटिंग करना है, क्या करेंगे? केक नहीं मिलेंगे तो कैंडी तो खिलाऊंगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कैंडी खाएंगे। चलो सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि आज बर्थडे है, सब साथ में तो बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। चलो अभी देखते हैं केक का कुछ जुगाड़ करते हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी। अब अच्छा हो गया, पेट में फिर दर्द हो रहा है, पर वो को सुबह सुबह हुआ था लेकिन अभी दवाई पिला दी है तो अच्छा हो गया है। सो अभी ब्लॉग एंड कर देना है, इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, आपको मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यही पास इंग्लिश समझाएगी।